4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे क्वेश्चन कि गिवन दैट जीरो इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल है आर ऑफ द फॉर्म ए ए प्लस बी ए प्लस टू बी, और हमारे को फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी और द रूट ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, यानी हमारे को ए चीज को यूज करके ए ए प्लस बी और ए प्लस टू बी की वैल्यूज निकालनी है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम अगर रिलेशन ऑफ रूट्स अप्लाई करें तो हम जानते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलीनोमियल के तीन रिलेशन ऑफ रूट्स होते हैं। एक जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा और गामा यानी सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है मेरा माइनस का बी अपॉन ए, और जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा d अपॉन a माइनस का, और हमारा जो लास्ट सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू एट टाइम होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है ये होता है हमारा c अपॉन a। आई होप आपको ये सब चीजें मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है, तो इस बेसिस पे अगर हम इस इक्वेशन का ये चीज निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a, माइनस बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये 6 आ जाएगा, ये तो 1 है तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। डी जो होता है वो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये जो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये मेरा -10 आ जाएगा, और जो मेरा सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 बाय टाइम ये दो दो करके ऐड कर लें सी अपॉन ए, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 3। अब हाँ तो स्टूडेंट्स हम ये सम ऑफ द रूट्स आया हमारे, इससे हम हमारे जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लेंगे, एक तो हो जाएगा a, एक हो जाएगा a प्लस b और एक हो जाएगा a प्लस 2b, ये जो है हमारे को 6 के इक्वल दे रखा है, तो a प्लस a जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, तो हमारा जो a प्लस b है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा 2। अब इससे हम किसी भी a उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 माइनस b हमारा a हो जाएगा। अब अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी हमारा माइनस डी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10। अगर हम इसके अब ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी ए की करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 माइनस बी, ये जो आ जाएगा मेरा ए की वैल्यू 2 माइनस बी प्लस बी वाला, ऐसे ही ऐसे ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस बी और प्लस का 2 बी, ऐसे भी ऐसे। अब हम देख रहे हैं प्लस बी माइनस बी तो आपस में नमस्ते हो जाएगा, देखा कि प्लस बी माइनस बी आपस में नमस्ते हो गया, और माइनस बी प्लस 2 बी जो होगा ये मेरा प्लस का बी रह जाएगा, तो ये रह जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस बी, ये वाला 2 बाहर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो रह जाएगा मेरा रह जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 10। अगर हम इसे नमस्ते करेंगे तो ये माइनस का 5 रह जाएगा, a प्लस b माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं इसमें हम, अगर हम a प्लस b माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस की नमस्ते, तो b स्क्वायर के लिए 9 यानी b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी प्लस और माइनस 3। अब हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू जो आई वो हमारी प्लस माइनस 3 आ गई, क्योंकि स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलता है कोई भी नंबर तो प्लस माइनस लेके निकलता है, तो अगर हम एक बार b इज इक्वल टू 3 ले लें प्लस का, यहाँ पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो a की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी माइनस 1, a आ गया और b आ गया हमारा, और अगर हम b की वैल्यू अब की बार माइनस 3 ले लें तो माइनस 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 3, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गए ए और बी की। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ए और बी की वैल्यू के साथ साथ उसने ये भी बोला था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी हमारे को रूट्स भी निकालने हैं इस पॉलीनोमियल के, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो रूट दे रखे हैं वो तो दे रखा है ए, तो ए जो हो जाएगा वो तो हम सिंपली जानते हैं हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने को दो केस हमारा जो केस वन बनेगा जब ए की वैल्यू माइनस वन है और बी की वैल्यू 3 है, इस टाइम पे a जो है वो माइनस वन हो जाएगा, a प्लस बी यानी a प्लस बी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और a प्लस 2b यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, a केस तो जिसमें आंसर आ जाएगा माइनस 1 2 और 5, एक सेट ऑफ रूट्स तो ये होगा। अब दूसरा केस केस 2, जब हमारी a की जो वैल्यू है वो तो हमारी है 5
और हमारी b की जो वैल्यू है वो है -3, तो हमारी a की वैल्यू 5, तो ऐसे कैसे, तो पहला रूट तो a ही है, दूसरा रूट जानते हैं हम a प्लस b है, तो a प्लस b यानी 5 प्लस -3, तो 5 प्लस माइनस -3 विच इम्प्लाइज 2, और जो तीसरा है वो है हमारा a प्लस 2b यानी -6, -6 प्लस 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का वन। तो हमारा जो दूसरा सेट आया वो आ गया 5, 2, -1, तो ये हमारे दो सेट ऑफ रूट्स आ गए स्टूडेंट्स। आप देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन आपको दोनों ही केस सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ में आ गया हो, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।